नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग पॉसिबल चैनल में आपका स्वागत है। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप पर बोलकर टाइप कर सकते हैं। बोलकर टाइप करने वाला फीचर कई समय से व्हाट्सएप पर है, पर बहुत लोगों को ये पता नहीं है कैसे इसे यूज करें। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप पर सिर्फ बोलकर टाइप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। आज मैं आपको वही दिखाऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप पर सिर्फ बोलकर टाइप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मेरा व्हाट्सएप खोल लेता हूं। व्हाट्सएप एप्लीकेशंस, मेरा व्हाट्सएप एप्लीकेशन मैंने खोल लिया है। यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, टाइप ए मैसेज ऑप्शन जो है यहां पर, अगर मैं प्रेस करता हूं तो फिर एक ये कीबोर्ड खुल जाता है। ये कीबोर्ड पे अगर हम लोग टाइप करते हैं तो फिर ये यहाँ पर टाइप होता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के थ्रू जो है कि आप लोग कुछ यहाँ पर बोलेंगे और ये खुद ब खुद टाइप कर लेगा। देखिए यहाँ पर जो है एक माइक का बटन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक इसके नीचे और एक माइक का बटन रहता है। जो ये ऊपर वाला जो माइक का बटन है ये सिर्फ वॉइस मैसेज के लिए है। इससे आप अगर प्रेस करके कुछ बोलेंगे तो फिर वॉइस मैसेज चला जाता है। लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा, जब यहाँ पर एक माइक का बटन रहता है या मैं जो मोबाइल यूज करता हूँ सैमसंग का, उसमें जो रहता है माइक का बटन यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको पहले इसका यूज दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे कैसे इसको एक्टिव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कैसे है आप? देखिए मैं जो बोला ये टाइप कर लिया है। अब इसको सेंड कर देते हैं और एक बार बोलते हैं, क्या कर रहे हो? देखिए कैसे ये टाइप करता जा रहा है। अभी जो है कि मेरे को इंग्लिश में बोलना है तो फिर इंग्लिश में बोल देते हैं एक बार। हाय, हाउ आर यू? देखिए ये इंग्लिश में भी टाइप कर लिया। अब इसको सेंड कर देते हैं और एक बार हिंदी में बोल देते हैं, आप लोग कहां पर हो? देखिए कैसे ये जो है हिंदी में टाइप करता जा रहा है। अभी जो है इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर कहां से इसको एनेबल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोग को यहां पर दिखाई दे रहा होगा एक सेटिंग्स का बटन। यहां पर जो ये सेटिंग्स का बटन है यहां पर मैं क्लिक करता हूं। अभी देखिए यहां पर मेरा लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वो दोनों है, इंग्लिश और हिंदी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ से इंग्लिश एंड हिंदी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं उर्दू, बहुत सारे भाषा यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए यहाँ पर अगर आप जो जो भाषा आप जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो ये समझ में इसको आएगा। अभी देखते हैं इसको अगर आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर भी माइक का बटन नहीं हो या फिर यहाँ पर भी माइक का बटन नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। तो फिर किसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ यहाँ पर जो है टाइप ए मैसेज का बटन कर जब प्रेस करेंगे यहाँ पर तो फिर ये कीबोर्ड खुल जाता है। ये कीबोर्ड खोलने के बाद आप देखिए ऊपर से इस मेनू को नीचे लाइए। यहाँ पर लाने के बाद देखिए यहाँ पर चूज इनपुट मेथड बोल के एक चीज आ रहा है। ये चूज इनपुट मेथड में आप प्रेस करिए तो फिर देखिए आप यहाँ पर गूगल वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आ रहा है, आ गया, ठीक है। ये गूगल वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ऊपर से मेनू को नीचे लाएंगे जब तब आ जाएगा, तब ये गूगल वॉइस टाइपिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। हाय, कैसे हो आप? देखिए कैसे ये टाइप कर लिया, ठीक है। ये एक ही चीज है, यहां से माइक को खींचिए या फिर ऊपर से गूगल टाइप
वॉइस टाइप को नीचे लाकर उसको सिलेक्ट कीजिए, एक ही चीज है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम।